तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है रुपेश पांचल। आप सभी जानते हो मुझे, मैं हूँ आप सभी का मित्र रुपेश पांचल और आप देख रहे हो आपके अपने दोस्त को। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूँ, आज के इस वीडियो में अपन लाए हैं भैया, क्या लाए? बायो का यानी कि बोले तो जीव विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए हम आज आप सभी के लिए मोस्ट IMP वेरी वेरी मोस्ट, जी हाँ, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इतना मोस्ट कोई नहीं बताएगा जितना आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हमारे पिछले दो पेपर हो चुके हैं जो मैंने बताए, एक तो फिजिक्स का हुआ था, एक हुआ था केमिस्ट्री का। तो मैंने इन दोनों पेपर में अनुभव किया है कि भैया क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहा है, कहाँ से नहीं निकाल रहा है, वो सारी चीज़ आज के स्टूडियो में देने वाला हूँ। और आप सभी को बता दूँ, अभी किसी के पास, ना तो मेरे पास, ना किसी यूट्यूबर के पास कोई भी पेपर नहीं आया, जी हाँ। और जब आएगा तब मैं आप सभी को बता दूंगा, है ना। तो अभी तो देखिए, अभी अगर आज के इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आप सभी की कम से कम ये बता दूँ कि 30% तैयारी हो जाएगी, जी हाँ। लेकिन आप सभी को इनके भरोसे भी नहीं बैठना है, ठीक है ना। अभी इसके बाद और भी वीडियो आएगी, इस एक वीडियो से पूरी तैयारी नहीं होने वाली है। तो पढ़ने वाले ही विद्यार्थी इस वीडियो को पूरे देखेंगे, ठीक है ना, वरना जो नहीं पढ़ते वो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आज अपन क्या देखने वाले, यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने वाले। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है जीव विज्ञान, लिखा रहा है, देख सकते हो, जीव विज्ञान कक्षा 11 बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2018। क्योंकि भाई देखिए, बोर्ड परीक्षा जो होती है ना, ये पेपर कौन बनाता है? ओपन बोर्ड। कौन बनाता है? ओपन बोर्ड बनाता है। और अब जो अपनी त्रैमासिक परीक्षा हो रही है, त्रैमासिक, इसके पेपर भी कौन बना रहा है? ओपन बोर्ड बना रहा है। यानी कि इन दोनों का जो ठेका ले रखा है, ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है ओपन बोर्ड। तो भैया ओपन बोर्ड ये थोड़ी देखेगा ये कौन से प्रश्न ले रहा है, कौन से नहीं, वो तो सिलेबस देखेगा ना। तो आप सभी को बस यही देखना है अपना सिलेबस, कि भैया चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स का आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है? उन्हीं चैप्टर्स का आप सभी को मतलब ये करना है, ठीक है ना, क्या करना है? उन्हीं चैप्टर का आपको याद करना है। तो मैं आप सभी को बता दूँ आप सभी के कौन कौन से चैप्टर आने वाले, तो आप सभी के 9 पार्ट तक आने वाले, ठीक है ना, J1 तक 9 पार्ट तक वाले, ठीक है ना। तो सारे के सारे आप सभी को याद कर लेने, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान वगैरह, ये भी याद कर लो भैया। जैसे कि पहला देखिए, चिड़ियाघर में प्राणी रखे जाते हैं, तो भैया जी इस प्रकार से आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, ये गारंटी नहीं है कि पैटर्न यही होगा। लेकिन आप सभी को क्वेश्चन जरूर आएगा, पैटर्न याद नहीं रखना है, ठीक है ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। ये देख लेना आप सभी, इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, मैं आप सभी को समझाऊंगा तो नहीं, है ना, इन सभी का आंसर बताऊंगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव के तहत। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी, 100% याद कर लो, व्हिटेकर आएगा इसमें, व्हिटेकर, ठीक है ना। यहाँ पर सारे सारे आप सभी को याद कर लेने, इसी प्रकार से मैं नहीं बताऊंगा वरना ये वीडियो जो है ना बहुत सारा लंबी हो जाएगी। ये आंसर देख सकते हो इन सभी ऑब्जेक्टिव के। अब ये रही सही जोड़ी, सही जोड़ी पहली तो ये खंड खंड ब, ये अ वाला यहाँ पर है और एक आई वाला है, ठीक है ना। बाकी और अगले पेज पर है, तो देखिए ये देखिए बाकी की सही जोड़ी, ठीक है ना, ये रही। और इन सभी के आंसर भी देख सकते हो, ये सारे के सारे आंसर है, ये उत्तर यहाँ पर लिखा रहे, ठीक है ना, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर वाला, जैसे कि केंचुआ किस संघ का जंतु है, तो आपको बताना है किस संघ का है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट शोषण गुणांक कितना है, ठीक है ना, शोषण का गुणांक बताना है। उसके बाद अगला देख सकते हो, शीर्षस्थ प्रभावित किस हार्मोन से होती है, ठीक है। आप सभी को क्या देखना, अपना सिलेबस से रिलेटेड मैच खाना है ना, मैच मिलाना है, मतलब कि भाई कौन सा अध्याय का हो सकता है, और बाकी अगर कोई अध्याय से हटकर है तो उसको याद नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए, यहाँ पर जीवाणु एवं पादपों में समानता लिखिए, ये याद कर लो 100%, ठीक है। अगला देखिए, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में समानता, 100% याद कर लो ये भी, ठीक है। मैं आप सभी को भैया फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री में भी बताया था भैया, वो आएगा कक्षक में अंतर, वो आया कि नहीं आया, है ना, बहुत सारे बताए थे मैंने, सारे के सारे आए, मुझे नहीं लगता एक भी प्रश्न अलग आया होगा। अगला देखिए, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में अंतर, 100% याद कर लो बच्चों, 100%, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, जड़ तथा तने में आकारिक अंतर, 100% याद कर लो ये भी, 100%, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या, माइटोकांड्रिया का कार्य लिखिए, माइटोकांड्रिया जो उसके कार्य लिखिए,
ने आप सभी को, ठीक है, माइटोकांड्रिया है ना, माइटोकांड्रिया का कार्य 100% याद कर लो, अंतर प्रद्योजालिका का कार्य 100% याद रख लो, ठीक है ना, सक्रिय अवशोषण एवं निष्क्रिय अवशोषण, उसका वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदुओं में है ना लिखिए, उसका यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, पादप कोशिका का 100% याद कर लो, ये 100% मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा पादप कोशिका का 9th में भी आया है बच्चों, 10th में भी आया है, ठीक है ना, अब मुझे लगता है 11th में भी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए केंद्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आप सभी को बनाने की प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चित्र तो चित्र से आप सभी का जो दिमाग है ना वो तेज होता है, तो आप सभी को चित्र की तो बनाने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल बनाइए, यहाँ पर देखिए एंजाइम क्रिया तालाचाबी सिद्धांत लिखिए, धमनी एवं शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर याद कर लो, 100% आएगा, 100% है ना, मुझे जहाँ तक लगता है ना, 100% संभावना है। रक्त एवं लसिका में 3 अंतर, ये भी याद कर लो 100%। मनुष्य के नेत्र का अनुदैर्ध्य का चित्र बनाइए, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, चित्र चित्र, ठीक है। अब अगर आ देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर 120 शब्दों में देखिए अनावृत बीज और आवृत बीज में 4 अंतर लिखिए, आपको अंतर कितने याद करने हैं, अंतर याद करने 6 से 7 अंतर है ना, क्योंकि भैया याद आपको कितने रहेंगे, 4 या 5 याद रहेंगे मुश्किल से, है ना, तो आपको ज़्यादा याद रखने हैं ना, ज़्यादा याद करना है अंतर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्या है पर, प्याज के पौधे तथा पुष्प का वर्णन कीजिए, है ना, यहाँ पर देखिए संवन फूलों के प्रकार चित्र सहित लिखिए, है ना, चित्र सहित लिखिए। उसके बाद सम विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को केवल चित्र द्वारा समझाइए। उसके बाद अर्ध विभाजन की प्रोफेज आई की विभिन्न अवस्थाओं को चित्र द्वारा समझाइए, तो याद बहुत करना मुझे नहीं लगता है, लेकिन चैप्टर से मेल खाना चाहिए भैया, ठीक है ना, मैंने आप सभी को बोल दिया है ना। अगला देखिए मनुष्य के मूत्र की निर्माण की प्रक्रिया लिखिए, ये भी लिख दो, ये भी याद करना है, क्योंकि ये क्या है ना भैया 10th में भी आता था, ठीक है ना, 10th में पूछा गया था। अगला देखिए अगला क्या है, अगला यहाँ पर कॉकरोच के मुखांग के नाम व कार्य लिखिए। अगला देखिए यहाँ पर नीचे है, नीचे यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है यहाँ पर ऑक्सिन एवं जिबरेलिन हार्मोन के कार्य लिखिए, ये हार्मोन से, तो इन हार्मोन के क्या आपको ये हार्मोन इनके कार्य लिखना है। हार्मोन क्या है, जो आपको आपको मतलब जो आपसे कि मतलब आप जब किसी से क्या होते हो, आपको भी किसी से मतलब आकर्षित होते हो, क्या होते हैं, आकर्षित होते हो, प्रसन्न होते हो, जो खुशी होती है, तो वही क्या है, वो हार्मोन्स के द्वारा होती है। हार्मोन्स अपने बॉडी में एक तत्व होता है जिसका नाम है हार्मोन्स, इसके कारण, तो ये देखिए दो प्रकार के हार्मोन्स, इसके कार्य आप सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो ये वाला भी आपको अवश्य रूप से याद कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए एक और बात बताओ, मोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, देखिए सुनिए, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, बताओ क्यों, इसका फ़ायदा क्या है। देखिए सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब कर लोगे तो बस ये होगा कि जब आप यूट्यूब खोलोगे, अगर मेरी कोई वीडियो डली होगी तो वो वीडियो आप सभी के सामने शो हो जाएगी, लेकिन जब सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा लोगे ना, तो घंटी से ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप चाहे यूट्यूब मत खोलो, फिर भी चाहे आपका सिर्फ इंटरनेट है, नेट अगर ऑन होगा तो आप सभी को क्या मिल जाएगा, वो जो वीडियो है, क्या है, वीडियो है, उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली भेज दी जाती है यूट्यूब के द्वारा, जी हाँ। तो आप सभी को क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा लेना है, और वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, ठीक है, प्लीज़ यार शेयर करना, क्योंकि मैं जो भी होता तो सारे के सारे आते हैं, और कमेंट भी करना है ताकि मैं आपसे कोई इसका कह दूँ, आंसर भी दूँ, ठीक है ना। तो सारे काम कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल कर ही लीजिएगा 100%, चाहे कुछ भी मत करो यार, अपनी पढ़ाई करो आप तो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।